हेलो एवरीवन, कैसा आप लोग। तो एक एडिटोरियल आया है, प्रोटेक्टिंग फ्लड प्लेन इज द नीड ऑफ द आवर। तो देखते हैं क्या है। ह्यूमैनिटी इज स्ट्रगलिंग विद शॉर्टेज ऑफ वाटर एज वेल एज एन एक्सेस। कहीं पे शॉर्टेज है और कहीं पे फ्लड आ रहा है, शायद उसी बारे में। एज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टेटेड, फ्लड्स आर इंक्रीजिंग इन फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, एंड द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू इंक्रीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे सिंपल सी ये बात बताई जा रही है, बारिश तो दिन पर दिन बढ़ते जाएगा क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम लोग उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर डिवास्टेटिंग फ्लड्स इन पाकिस्तान क्लेम्ड 1700 लाइफ्स एंड अफेक्टेड 33 मिलियन पीपल। 33 मिलियन पीपल हो जाता है 3 करोड़ 30 लाख लोग। द 2013 फ्लड्स इन उत्तराखंड, द 2014 फ्लड्स इन कश्मीर वैली, एंड द 2015 फ्लड्स इन चेन्नई, एंड द 2017 फ्लड्स इन गुजरात, ऑल कॉज्ड लॉस ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड एंड मैसिव डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर। दिस ईयर टू वी सॉ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ द रेन इंड्यूस्ड फ्लड एंड लैंडस्लाइड इन सीवियर सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रेन इंड्यूस्ड का यहाँ पे मतलब यह है कि जो फ्लड आया है वो तेज बारिश की वजह से हुआ है। जो बहुत बारिश हो गई उसको संभाल नहीं पाया जगह, उसके वजह से फ्लड आया था, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। द यमुना वाटर मार्क वाटर लेवल क्रॉस द 208.5 मीटर मार्क, ब्रेकिंग द 55-year-old रिकॉर्ड। ऑल दिस डिजास्टर्स पॉइंट टू द सीवियरिटी ऑफ द सिचुएशन एंड द अर्जेंट नीड टू टैकल इट। यहाँ पे यही बात हो रही है कि ये जितने भी सिचुएशन हो रहे हैं, यहाँ पे अर्जेंट नीड है कि हम इसको एड्रेस करें और इसको टैकल करने के लिए अपना रूट मैप बनाएं। तो देखते हैं आगे क्या है। एज पर द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ओवर 40 मिलियन हेक्टर, विच इज नियरली 12% ऑफ द टोटल लैंड ऑफ इंडिया, इज प्रोन टू फ्लड्स। तो 12% इज ऑलरेडी प्रोन टू फ्लड्स। The severity and frequency of floods has specially affected our cities, where there is little effort made in maintaining natural topography. तो जो सिटीज़ है हमारे, जैसे सिटीज़ के डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ पे नेचुरल चीज़ों को हम लोग हटाते रह रहे हैं। जहाँ पे पेड़ लगाए हटा दो, बिल्डिंग बना लो, थोड़ा सा भी फॉरेस्ट एरिया है काट दो, वहाँ पे आप या तो पार्क बना दो, या तो बिल्डिंग बना दो, या तो रोड बना दो। यही चीज़ें चल रही है। जैसे अभी रिसेंटली उत्तराखंड में भी बात हो रही थी कि जो जोली ग्रैंड उत्तराखंड का आपका एयरपोर्ट है, उसको भी फॉरेस्ट एरिया हटा के थोड़ा सा उसको एक्सपेंड करने की बात हो रही है। तो वही चीज़ें हैं यहाँ पे, जो हमारे सिटीज़ को मेंटेन नेचुरली टोपोग्राफी जो है उसको हम लोग हटा दे रहे हैं। सिटीज़ एक्सपेंड फास्ट एंड मोस्टली इन हैपहजर्ड मैनर। तो यही मैं आपको बता रहा था, बहुत जल्दी डेवलप हो रही है और बहुत हैपहजर्डली डेवलप हो रही है। कोई अच्छे प्लान के साथ डेवलप नहीं हो रही है। जैसे कि हम यहाँ से पेड़ हटा रहे हैं तो उस पेड़ को कहीं लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हटाओ, साफ करो, अपना नया कंक्रीट का जो बनाना है बनाओ। विच मेक्स देम वल्नरेबल टू डिजास्टर। फ्लड अफेक्ट्स द इकोनमी टू। इंडियन सिटीज़ आर प्रोजेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू 75% ऑफ द GDP बाई 2030। इंडिया प्राइमरीली रिलाइज ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। तो इंडिया अभी भी इसी एक्ट पर रिलाई करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। कहीं ज़्यादा पुराना नहीं हो गया, हम 2023 में हैं और 2005 पे हम लोग अभी भी उसके एक्ट को बने हुए हैं। हो सकता है इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स लाने चाहिए। एंड द रूल्स मेड इन परस्पेंस ऑफ द एक्ट टू डील विद फ्लड मैनेजमेंट, इसी के फ्लड मैनेजमेंट इसी एक्ट के थ्रू हो रहा है और इसके अंदर जो रूल बनाए। बट दिस लॉ इज मेंट टू डील विद मल्टी हजार्ड रिस्क एंड नॉट स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन फ्लड रिस्क मैनेजमेंट। ये बताया, ये मल्टी हजार्ड है। यहाँ पे आप देखोगे अर्थक्वेक की भी बात हो रही है, टर्बुलेंस की भी बात हो रही है, पर क्या यहाँ पे आप कोई स्पेसिफिकली फ्लड रिस्क मैनेजमेंट की ऊपर बात हुई है? नहीं। तो एज पर द एक्ट, डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इस एक्ट के मैंने बताया गया, डिजास्टर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। सो दिस इज रियली नॉट एंटायरली करेक्ट। हम बता सकते हैं आज अपने सैटेलाइट्स और साइंस एंड टेक यूज करके कि क्या कब क्या हो सकता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द फ्रिक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्लड। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, ऊपर में हमें बताया गया कि हमारे ये सारे जो फ्लड्स हो रहे हैं ये बढ़ेंगे, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया, और हमारे ऐसे पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, तो वो हमने प्रिडिक्ट किया ना। तो वैसे ही इस एक्ट में जैसे बोल दिया कि हमें बिल्कुल नहीं बता सकते, वो गलत है, हम बता सकते हैं, वो बात हो रही है यहाँ पे। चेंज इन स्ट्रेटजी। डिजास्टर रिस्क अक्रॉस द वर्ल्ड आर फाउंड टू बी सिचुएटेड विद इन एनवायरमेंट एनवायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस। देर इज शिफ्ट इन द स्ट्रेटजी ऑफ फ्लड कंट्रोल इन कंट्रीज सच एज जर्मनी, UK एंड द नीदरलैंड टू फ्लड रिस्क मैनेजमेंट एज अपोज टू फ्लड प्रिवेंशन
प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए जर्मनी, यूके, नीदरलैंड में फ्लड के लिए स्पेशल एक्ट्स बन चुके हैं। वाइल द प्रोटेक्शन स्ट्रेटजी इंक्लूड्स द टेक्निकल मेजर सच एज द लेइंग ऑफ डाइक्स, टेम्पररीली फ्लड डिफेंस वॉल एंड पोल्डर्स, द की एलिमेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट स्ट्रेटजी आर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड रिस्टोरेशन ऑफ फ्लड प्लेन। कि अगर मानो पानी आ गया तो पानी तुरंत चला भी जाए और जो फ्लड प्लेन है अपने वो रिट्रीव भी हो जाए, रिस्टोर कर ले हम उसको तुरंत। तो यहाँ पे मेन फोकस उनके इस बात पे हुई है। पानी देखो नेचुरल डिजास्टर ऐसी चीज है, हम उसको बहुत हद तक अवॉइड नहीं कर सकते, कम कर सकते, इफेक्ट कम कर सकते। तो अगर फ्लड से वाटर अंदर मानो घुस गया तो उसमें हम तुरंत उसमें ये देखें ना कि अगर घुस ही गया, यहाँ पे पहली बात तो हम रोकने का पूरा कोशिश करेंगे, पर इन केस नेचर है कोई नहीं रोक सकता, अगर वो घुस जाता है तो हम ये मेक श्योर करें कि ये जो पानी अंदर घुस रहा है उसको निकल भी जाए। तो यहाँ पे वही उनका मेन, यहाँ पे जो अगर हमने देखा की एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट उनका यही है। तो देखते हैं इंडिया का क्या है। इन इंडिया देर आर लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट्स ऑन फ्लड प्लेन, फ्लड प्लेन के वहाँ पे लार्ज स्केल इंक्रोचमेंट्स है। दिस इंक्रीज द फ्रिक्वेंसी ऑफ फ्लड एंड द डैमेज कॉज बाय देम। तो इससे और दिक्कत हो रही है। और 2018 रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो हमारे कैग होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ऑफ इंडिया, एट्रीब्यूट्स इंक्रोचमेंट्स इन द फ्लड प्लेन ऑफ द रिवर ऑफ तमिलनाडु एंड द फेलियर ऑफ द एक्ट ऑन देम एज अ प्राइम रीजन ऑफ चेन्नई फ्लड्स ऑफ 2015। तो इन्होंने बताया जो इंक्रोचमेंट्स हो रहे थे आपके फ्लड प्लेन में तमिलनाडु में, वही वही रीजन है चेन्नई फ्लड्स 2015 के होने का। द ऑडिटर कॉल द डेल्ग्यू एज अ मैन मेड डिजास्टर। तो इनके हिसाब से तो ये मैन मेड डिजास्टर था, और कहें भी क्यों ना, जो इनको सच लग रहा है ये ऑफिसर्स इसलिए ही तो होते हैं कि हमें बता सके कि हमारी गलती क्या है। ऑक्यूपाइंग फ्लड प्लेन, इलीगल कंस्ट्रक्शन वर्क इन फ्लड प्लेन रिड्यूसेस द कैपेसिटी ऑफ रिवर टू कंटेन अ हाई लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बैंक। तो कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो होता है फ्लड प्लेन में वो बहुत रिस्की होता है, और उसके वजह से कैपेसिटी ऑफ रिवर टू कंटेन हाई लेवल ऑफ वाटर विद इन देयर बैंक वो कम हो जाता है। अब मानिए आज यहाँ पे मिट्टी है, यहाँ पे रिवर आपकी बह रही है, यहाँ पे मिट्टी है, मानो कुछ हो रहा है, तो मानो यहाँ पे फ्लड आ गया तो ये मिट्टी उस वाटर को सोख कर लेगा। पर अब 2 मिनट के लिए मानो यहाँ पे कंक्रीट का मैंने कुछ बना दिया, ऊपर में बिल्डिंग बना दी, अब पानी आया तो कंक्रीट सोख करेगा, वो सोख करेगा उस वाटर को, सोखेगा अंदर जमीन में जाएगा, वो वाटर पेनिट्रेट करेगा डीप इनसाइड दी वो सॉइल। ऐसा नहीं होगा ना, क्योंकि कंक्रीट का बना दिया हमने इसलिए अब ये आगे जाएगा। तो वही बात हो रही है जो इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है उसी की बात हो रही है। दिस इज स्पेशली द केस ड्यूरिंग हैवी रेनफॉल व्हेन वाटर फ्लो डाउन दी फ्रॉम अपर कैचमेंट एरिया। तो जैसे अपर कैचमेंट एरिया मतलब हिली एरिया से जैसे अगर हैवी रेनफॉल हो जाए और वो हो तो उसको फ्लड का रूप मिल जाता है, क्योंकि बीच में हमने जो सॉइल था उसको हटा दिया जिससे उसकी वाटर कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, कि वाटर को वो अंदर सोख सके, ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट कर सके, वो कम हो जाता है। तो यही बात हो रही है। Thus, the tendency to occupy a flood plain result in flooding. Uttarakhand has been neglecting eco-sensitive flood plain by allowing the construction of guest house and hotel on the riverfront to promote tourism. Uttarakhand में जैसे आप लोगों को पता होगा, आप लोग कभी मसूरी और यहाँ पे हिमाचल में घूमने गए होंगे, तो वहाँ पे व्यू बनाने के लिए वहाँ पे तुरंत होटल व्यू होटल बना दिया जाता है, गेस्ट हाउस बना दिया जाता है। तो उससे देखिए टूरिज्म तो प्रमोट होता है, पर कहीं ना कहीं हमारा नेचर उससे अफेक्ट होता है। इन द वेक ऑफ मैसिव फ्लड्स इन 2013, द ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वर्चुअली बार्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 200 मीटर अलोंग द बैंक ऑफ द गंगा। तो गंगा के आसपास 200 मीटर में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मना कर दिया गया है NGT ने, ग्रीन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2015 के डायरेक्टिव में। बट अटेम्प्ट्स वर मेड टू बाईपास दिस। अब बताओ कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, पैसा कमाने के लिए इसको बाईपास करना चाह रहे हैं। भाई एक दिन सब खत्म हो जाएगा, पैसा पैसा भी खत्म हो जाएगा तुम्हारा, नेचर को बचा के रखो। इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर वेदर द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स आर डन प्रॉपरली इन द स्टेट। द उत्तरांचल रिवर वैली डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट एक्ट 2005 इज मेंट टू रेगुलेट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन इन द रिवर वैली। तो इस एक्ट में बताया जा रहा है कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन रिवर वैली में मत करो, यही बात की गई है। बट द रिपोर्ट इंडिकेट्स दैट देर इज रैम्पेंट माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ विद लीगल लिटिल रिगार्ड ऑफ द इन्वायरमेंट। पर रिपोर्ट देखो बता रहा है ये सब चल रहा है, एक्ट तो बना दे रहे हैं हम लोग पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, वही प्रॉब्लम है। फ्लड्स डू नॉट मेयरली शो द फ्यूरी ऑफ नेचर, दे ऑल्सो ऑफन ब्रॉट अबाउट द क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रेनफॉल।
This especially impacts the mountainous regions such as Himalayas. Laws in India which are meant to protect the environment are not implemented. While there are central policy measures to protect floodplain, they are mostly non-binding on states. No state in India has been able to prevent encroachments on floodplain. तो देखिए central law है, states का law नहीं है और states central के law को नहीं मानते और लिखा है no state. ऐसा नहीं कि कोई अच्छा state कोई बुरा state. फ्लड प्लेन के आसपास इंक्रोचमेंट हो रही है और जिससे फ्लड आएगा कोई स्टेट नहीं मान रहा है. तो क्या सेंटर को, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, सेंटर को इशू अपने हाथ में लेना चाहिए? फिर चल लाएंगे, फेडरलिज्म खतरे में है तो मान लो ना ढंग की बात तुम लोग. मैं तो ये नहीं कह रहा हर बात मानो, ढंग की बात मानो जो तुम लोग को सही लगे. तुम्हारे पास भी ऑफिसर्स है, उनको बोलो कि उसके ऊपर वर्क करें. There are many expertise around the world which point to the potential benefit of protecting and preserving ecosystems such as wetlands, forests, lakes and coastal area in reducing physical exposure to the natural hazards such as floods, landslides or avalanches by serving as a buffer. यही बात हो रही है, forest बनाओ, wetland बनाओ, lake बनाओ. अब देखिए जैसे कि ये इंडिया का coastal area है, यहाँ पे mangroves ढेर सारे हैं, तो मानो यहाँ से flood आ रहा है, फ्लड आ रहा है, यहाँ से साइक्लोन आ रहा है, तो क्या उसको मैंग्रोव्स वहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे? दे विल एक्ट एज अ वॉल. तो वही बात हो रही है, फॉरेस्ट रखो, लेक रखो, वेटलैंड रखो, कोस्टल एरियाज में आप मैंग्रोव्स रखो इन रिड्यूसिंग फिजिकल एक्सपोजर टू नेचुरल हैज़ार्ड्स. तो वही बात हो रही है कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी. अब आप देखो फॉरेस्ट आपका बचाएगा किससे, लैंडस्लाइड से, अवलांचेस से. तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए. In 1996, Germany made a fundamental change in its Federal Water Act in the aftermath of massive flood. Germany ne aisa change kiya jab ek bar unke paas flood aa gaya. The law provides for protecting original retention capacity while the reconstructing bodies of water. Therefore, flood plain restoration and water retention of water bodies are considered to be pillar against flooding. Climate change adaptation is a cross-sectoral issue. It involves law relating to land issue, land use, preservation of water bodies, coastal regulation, and environmental impact assessments. Thus, it is complex. A multitude of laws need to be integrated into a coherent framework. The purpose will not be served if, for instance, a law to tackle climate change is passed by Parliament, while changes to land use and the preservation of water bodies are not made. तो भाई अच्छे से हर टॉपिक को पकड़ो, उसके ऊपर लॉ बनाओ, और लॉ बनाने से ज़्यादा लेजिस्लेशन तो हो जाएगी पर उसका एग्जीक्यूशन भी अच्छा होना चाहिए. इंडिया में जैसे हमने देखा लॉ तो बन जा रहे हैं, उत्तरांचल रिवर वैली डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्ट, पर क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो रहा है? नहीं हो रहा है. However, achieving this requires strong political will. Populist leaders tend to refrain from implementing green policies. This must change if we want to save life and livelihoods and safeguard infrastructure. तो देखिए इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैंने बहुत एक्सटेंसिवली कवर किया इस आर्टिकल को. तो हमारे लिए सबसे पहले अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है तो फ्लड्स, ठीक है, और मैन मेड डिजास्टर, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. और आप देखिए ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसने बोला 2015 में कि गंगा के आसपास 200 मीटर में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा. थर्डली आप देखिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जो हमारा एक ही एक्ट है, कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. हम कोई भी एग्ज़ाम के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो इसी एक्ट को पढ़ते हैं, सबको पता होगा, तो इसलिए ये एक्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. और आप अपना ओपिनियन बनाइए इस एक्ट में क्या क्या कमी है, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. और एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कैसे, जस्ट अ सेकंड, मैंने एक और अच्छा टर्म देखा था, हाँ, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रेनफॉल. ये क्या क्या हमारे लिए, ऐसा क्यों हो रहा है, रेनफॉल क्यों बढ़ रहा है. और एक फैक्ट, 12% ऑफ द लैंड ऑफ इंडिया इज, यहाँ पे दिया है, लैंड ऑफ इंडिया इज प्रोन टू फ्लड्स. तो फ्लड्स के ऊपर
चाहे वो आप फ्लैश फ्लड्स ले लो, फ्लड्स ले लो, क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड रेनफॉल ले लो, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये दो तीन एक्ट हम मैंने बता दिया आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए हमारे कैग की बात हुई थी, तो कैग अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंट बॉडी, आप पॉलिटी में पढ़ोगे ही पढ़ोगे। एंड कैसे हमारे कैग ने बता दिया कि मैन मेड डिज़ास्टर बोल दिया उन्होंने, तो उनके अपने रीजंस थे, बहुत ही लर्न्ड पर्सन होते हैं कैग। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। थैंक यू।